चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले मजाक में तुम्हारा अभी बताती हूँ, चलो निकलो। मुन्नी बंटी तुम लोग भी निकलो, बस छोटी चली हो देखी। हाँ बुड्ढी को तैयार होने दो, रोहन किसी भी वक्त आ सकता है। इस सुहागन के मुंह से तुम ये कहलवाना चाहते हो उसका पति मर चुका है? समझ रहा हूं तेरा इशारा किस तरह। मैं एक बात तुम दोनों साफ साफ कह देना चाहता हूं, जब तक बंटी का ब्याह नहीं हो जाता मैं मुन्नी के रिश्ते के बारे में सोच नहीं सकता। ओए लाले, बंटी का मसला तो ऐसे अड़ गया, कोई हाल ही नहीं निकल रहा है। इंद्र ने शर्त ऐसे रख दी कि जब तक चंद्र का ब्याह नहीं होगा ब्याह नहीं करेगा। अब बोल कैसे मनाऊं दोनों को? जरूरत भी क्या है उन्हें मनाने की? क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया है, हम बंटी का रिश्ता कहीं और करेंगे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? तू अच्छी तरह जानता है बंटी और इंदर एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। तो क्या करूं उनके लिए? मैं अपनी बाकी बेटियों की जिंदगी ताक पर लगा दूं? यार यार ये सब वक्त की बातें हैं। अच्छा कहर अच्छा पति मिलेगा अगर बंटी को तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगी इंदर। और तुम देख लेना, मैं बंटी के लिए ऐसा लड़का तलाश करूंगा जो इंदर से 100 गुना अच्छा हो। क्या बंटी उस घर में खुश रह पाएगी? क्यों नहीं रह पाएगी? क्या मेरी बेटियों का सारा सुख कपूर खानदान में रखा? कभी चंदर कभी इंदर, अजीब रुख अपनाया भाइयों। इन्हें अपने कार में जो शक्त रखनी हो रखे, लेकिन मैं इन भाइयों के झगड़े में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर। अब तो बंटी की शादी वही होगी तो मैं क्या हूंगा। आई बात सुन बंटी, हैदरा बंटी, बंटी मैंने तुझे आवाज दी, तूने सुना नहीं है? अनसुना करके चली गई। जवाब दे, मैं कुछ फेंकू मुझे बोले जा रहा हूं? अरे बोलती क्यों नहीं तू? चुप कर, किस बात का गुस्सा जता रही है तू मुझे? वो क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? जिस कार से मुझे ठोकरे मिली उसी कार में हाथ मिलाकर मैं तेरा रिश्ता मांगने गया, सिर्फ तेरी इज्जत की खातर। क्या मिला मुझे? एक और जख्म, एक और ठोकर। और अगर तू फिर चाहती है कि मैं उस कार में तेरे लिए रिश्ता लेने जाऊं, हाथ मिलाने जाऊं, गिड़गिड़ाने जाऊं, तो ये कभी नहीं होगा। कपूर खानदान के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। और हां एक बात कान खोल कर सुन ले, ये जो इंदर के बहकावे में आकर तूने बचपन सतह रख दिया ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दे। अब तेरा रिश्ता वही होगा मैं समझ गई ना तू? अगर तूने जरा भी आना खानी थी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता मैं। काला है अपने दिल का गुबार, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। अब बैठो सर सीट अपना, सुनने का पैरों पे जोर चलता नहीं, अपने पे गुस्सा उतारता है। अगर यही प्यार करता ना अपनी बच्चों से तो चुल्लू पर पानी में डूब मर, कोई हक ना उनका बाप कहलाने का तुझे, समझा? अहमद अहमद
पाओगी पानी? संतोष, बंटी कैसी है? जैसे छोड़ के आए थे वैसी है। बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं? इस समय आपको याद तो रहता नहीं आप किससे क्या बात कर रहे हैं। करूं पुत्र, क्या करूं? पता नहीं मुझे क्या हो जाता। आज तो मैं सच्ची अपने होश ही गवा बैठा। मुझे बंटी से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। संतोष, एक काम कर, बंटी से कह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा। नहीं बाबूजी, मैं बंटी के कमरे में नहीं जाऊंगी। आपने गलती की है, आप ही जाके माफी मांगिए। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे जो माफी मांगने की नौबत आ जाए। बहुत बड़ी भूल होगी, मैं क्या करूं? ये कम्बा होता होता ही ना मुराद अपने पराये की सुनी छीन लेता है। पर पुत्र, तू मेरे यकीन कर, तेरे लिए जो मैंने फैसला किया है वो गलत नहीं किया। तू ही तो है पुत्र। एक बाप होने के नाते क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में चिंता कर सकूं? उन्हें डोली में बिठा के मुझे जा सकता हूं। और पुत्र, हम जो भी लड़का देखेंगे उसमें मेरी नहीं तेरी मर्जी भी शामिल हो। जो पसंद हो तो हाँ कर लें, वरना इनकार कर देना, दूसरा लड़का देख लेंगे। और पुत्र, वो इंद्र के बारे में अपनी जिद मत कर। क्या क्या नहीं किया हमने उसे मनाने के, लेकिन जब बात तेरी नहीं चढ़ रही तो क्या करें? मजबूरी में मुझे ये फैसला करना पड़ा है पुत्र। तेरा ब्याह हो जाएगा तो फिर मुन्नी के बारे में भी सोचें। सोचें भी तो कितनी बड़ी होती जा रही है ना। एक बात कहूं पुत्र, समाज बड़ा ही निर्दयी है। लोग तमाशा देखने में विश्वास करते, अपने घर में भले ही 100 खराबियां हों लेकिन दूसरे की एक कमी देखकर ताने कसने लगते। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का पुत्र, अजीब दस्तूर है। लड़का भले ही सारी जिंदगी को आरा बैठा रहे, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन लड़की अगर बाप के कारकुंवारी बैठी रही तो चारों तरफ से उंगलियां उठने लगती। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो
बता पुत्र, मैं कब बुलाऊं लड़के को तुझे देखने? कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मुझे कोई लड़का नहीं देखना, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब जो भी लड़का मेरे लिए देखेंगे वो मुझे मंजूर है। हेलो। हेलो आंटी जी। कौन? आंटी जी मैं बंटी बोल रही हूँ। अरे बंटी तुझे क्या हो गया? तू तो मुझे मम्मी कहती थी। आंटी जी इंदर है, अपने कमरे में है। क्यों बेटा तू इतनी घबराई हुई क्या है? आंटी जी आप इंदर से कह दीजिएगा कि वो मुझे भूल जाए। क्या? और आपके पास ख्याल अपने दिल से भी तो निकाल दे। बंटी क्या अनाप शनाप बक रही है? मैं सच कह रही हूँ आंटी, अपनी इंदर को कभी नहीं मिलूंगी। मैं रिश्ता कहीं और करने जा रही हूँ। बंटी, बंटी सुन तो, बंटी मेरी बात सुन। गायत्री, क्या हुआ? जल्दी से नीचे आइए आप, जल्दी नीचे आइए ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। हे भगवान, अब इस फोन को भी क्या हो गया है? गायत्री, क्या हुआ? फोन पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? चलिए, चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ? अरे कहाँ? लाला जी के यहाँ। लाला जी के यहाँ क्यों? उन्हें पता नहीं बैठे बिठाए क्या हो गया, बंटी का रिश्ता वो कहीं और कर रहे हैं। क्या? हाँ, अब जल्दी चलिए ना बस। गायत्री, गायत्री सुनो सुनो सुनो, तुम्हें इतना उतावला नहीं होना चाहिए। चलो बैठो, आओ आओ बैठ बैठ। पर ये बैठने बैठो का समय नहीं है। बैठो बैठो। आप समझते क्यों? सुनो गायत्री, अगर लाला जी ने इस वक्त जल्दबाजी में कोई फैसला कर लिया है, कम से कम हमें तो सब्र से काम लेना चाहिए। वो उस वक्त गुस्से में होंगे, हम बात छेड़ेंगे तो बात हो सकती है बिगड़ जाए हमेशा के लिए। तो हम कल उनके यहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप समझाएंगे आप? तब तक अगर मेरा बेटा ना रहा तो? गायत्री, ऐसी माँ हो तुम, अपने बेटे के लिए इतने अपशब्द? हमारे सामने कैसे सीना तान के खड़ा हो गया था, कहा था बंटी के साथ अगर शादी ना हुई तो हम हमेशा के लिए उसे खो देंगे। गायत्री, इंदर को भी पता नहीं है कि बंटी से तुम्हारी क्या बात हुई है, और ये बात हम उस पर जाहिर भी नहीं होने देंगे जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता है। डैडी, अब क्या हो गया? आप कौन सी समस्या खड़ी होगी? तू है हर समस्या की जड़। गायत्री, अब चंदर पर क्यों बिगड़ रही हो? ये बात आराम से भी तो हो सकती है। अरे क्या खाक आराम से हो सकती है? पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है लड़का। मैं तो कभी इसने अपने माँ बाप की फिक्र की, और अब छोटे भाई की जान लेने पर तुला हुआ है। मम्मी, मैं जानता हूं कि आखिर में हर बात का इल्जाम मेरे सर पर ही आना है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि इस बार मुझसे कौन सी गलती होगी? जाके पूछ संतोष के बाबूजी से, जो पंडित की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से कर रहे हैं। क्या यह क्या कह रही मम्मी? भला ऐसे कैसे हो सकता है? बंटी और इंदर एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बाबूजी जानते हैं ना ये बात। मम्मी, बाबूजी को उन दोनों को अलग करने का कोई हक नहीं है। बाबूजी को क्यों दोष देता है? हाँ, अरे सिक्के तो मेरे ही खोटे हैं। भाई साहब क्या सारी जिंदगी अपनी बेटियों को घर में बिठा के रखेंगे? कुछ नहीं, बात कैसे समझ में आएगी?
अगर तेरी कोई बहन होती तो तुझे पता चलता, तुझे क्या, वो बेचारे मरे या जिए, तुमने खोती है ना, तुम तक मैंने कहा सपना देखा कि इस घर में बहू लाऊं, मेरे ही बेटों ने मेरी खुशियों को गला घोट दिया। मम्मी, मम्मी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी, मैं तो खुद यही चाहता कि बंटी का ब्याह इंद्र के साथ हो। चंद्र, चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, और तुम वो कभी करोगे नहीं, क्योंकि तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो और इंद्र अपनी शर्त तोड़ेगा। अब ऐसे हालात में दादाजी ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया है। बंटी की शादी कहीं और होगी, हो सकता है इंद्र बंटी को भूल जाए। हो सकता है हम अपने बेटे को ही खो दें। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी ऐसा मत कहो प्लीज, इंद्र को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उससे, मैं भी देखता हूं कि ये आज छोटा भाई बड़े भाई की बात कैसे नहीं मानता। गायत्री, 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 जाने दो उसे, करने दो इंद्र से बात। गायत्री, चंदर इंद्र का बड़ा भाई है, और कोई भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। करने दो से बात। इंद्र, आसमान में क्या देख रहे हो? तारे देख रहा हूं भैया, लेकिन वो तारा दिखाई नहीं दे रहा जो मन की मुराद पूरी करते थे। क्या मांगना चाहते हो उस तारे से? आपके खुशी। पगले, मेरी खुशी तेरी खुशी में है, और मेरी खुशी आपकी शादी में है। इंद्र, फिर से वही बात, फिर से। इंद्र, क्यों क्यों तू ये बेवजह की जिद पकड़ कर बैठा है? क्यों? देख, अपनी ये जिद छोड़ दे, बाऊजी के पास जा और उन्हें कह दे कि तू बंटी से शादी करने के लिए तैयार है, जा। मुझे लग रहा था भैया कि मेरी शर्त का आप पर कुछ तो असर होगा, लेकिन आप मुझे दोबारा वही पाठ पढ़ाने आए जो मैं 100 बार सुन चुका हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तू अपनी इज्जत नहीं छोड़ेगा? हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो इंद्र, तू ये चाहता है कि बंटी की शादी किसी और के साथ हो जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि बाऊजी बंटी का रिश्ता किसी और के साथ कर रहे हैं। क्या?